नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के एसएससी मैथमेटिक्स से चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। और ये बुक दोस्तों दिसंबर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब 2023-24 का ये नया एडिशन का बुक है दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का एसएससी मैथ से टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर दोस्तों। 11,950 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों इस बुक में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर को शामिल किया गया है। साथ में एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों इस बुक में आपको सीजीएल, टीयर 1, टीयर 2, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एफसीआई जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों, और ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें इस बुक के एमआरपी के बारे में, तो इस बुक का एमआरपी 785 रुपये, जिस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको टोटल 24 अध्याय देखने को मिलने वाले हैं, और इन सभी अध्याय का, इन सभी चैप्टर का आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा इस क्यूआर कोड के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों इस बुक के कोड के बारे में बात करें, तो इस बुक का कोड है KP4600, और इस बुक में नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ पेज आपको 1272 देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कंटेंट के बारे में बात करें, तो इस बुक में आपको 16,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और प्रैक्टिस के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है दोस्तों। 11,950 टीसीएस के क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए, लगभग 5,000 क्वेश्चन टीसीएस के आपको देखने को मिलेंगे। बुक के क्वेश्चन आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ट्रिकी सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस से ऑनलाइन भी कर सकते हैं 24 के 24 अध्याय का, 24 के 24 चैप्टर का। और ये बुक दोस्तों एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीवीएम, सीपीओ, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इस बुक को आप लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, आगे यहाँ दोस्तों देखिएगा, ये बुक दोस्तों एसएससी मैथमेटिक्स के लिए, इस बुक में आपको सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों देखने को मिलने वाला काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और 24 अध्याय में पूरे एसएससी के मैथ्स को कवर किया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। 14,250 से भी ज़्यादा आपको, मतलब यहाँ क्वेश्चन बताया गया, लगभग 16,000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं टीसीएस के क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपको बताया गया है सभी एग्जाम के बारे में, जैसे सीएसएसएल हो गया, सीएसएसएल में कितने पार्ट होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के बारे में बताया गया है कि एसआई का एग्जाम होता है, एफसीआई का एग्जाम होता है, सीएचएसएल मतलब इंटर लेवल एग्जाम के बारे में बताया गया है कि या सीएचएसएल का एग्जाम होता है, एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी, मैट्रिक लेवल एग्जाम होते हैं, एमटीएस का एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बताया गया है, साथ में बताया गया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताया गया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 22 से, तो इस तरह आप तैयारी भी कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर को आपको पहले देखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिएगा यहाँ पे, आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चैप्टर वाइज, यहाँ पे सारा कुछ आपको पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, तो यहाँ देखिए टाइप 2 के बारे में बताया गया कि सबसे ज़्यादा 77% पूछा जा रहा है, तो कौन सा टाइप के पूछा जा रहा है ये भी आपको समझाया जा रहा है पाई चार्ट के माध्यम से, पूरे ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया कि कौन सा चैप्टर से कौन सा टाइप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, इस टेबल में आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम से के बारे में बताया गया है कि जैसे ये 2014 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे टीयर 2 का एग्जाम हुआ 2023 में, 26/10/2023 में, तो किस एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये एक टेबल के माध्यम से बताया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो ये हो गया, यहाँ पे एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, ये इंटर लेवल एग्जाम के बारे में बताया गया है कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, एससीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों टोटल प्रश्नों की संख्या 657, जिसमें 424 नए क्वेश्चन है, 233 पुराने क्वेश्चन है, ये टीसीएस वाले क्वेश्चन है। और यहाँ टाइप वाइज बताया गया कि कौन सा टाइप कौन से किस पे आधारित है, जैसे टाइप 1 संख्याओं की योग अंतर गुणनफल तथा वित्त क्रमानुपाति पे आधारित है, उसके बाद एलसीएम एसएफ हो गया, पावर इंडिसेस हो गया,
सारा कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एलिगेशन मिक्सर हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा, सिक्वेंस एंड सीरीज हो जाएगा, एलजेब्रा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या भी बताया गया है, साथ में टीसीएस वाले क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। प्रश्नों की कुल संख्या 17,277 है, 6,826 क्वेश्चन और 10,451 क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार वाले जो क्वेश्चन है ऑनलाइन उपलब्ध है इस वेबसाइट पे, यहाँ लिखा गया है kicks.in, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे पहला अध्याय नंबर सिस्टम। इस बुक का जो खासियत होता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बता दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बताया गया है, सारे क्वेश्चन के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है, और यहाँ पे आपको एक डायग्राम बता के क्लासिफिकेशन करके काफ़ी अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया गया है, डिविजन रूल बताया गया है। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर एसएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अब यहाँ पे जो हाईलाइट यहाँ किया गया है, ये हाईलाइट आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाईलाइट हमने खुद से किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हाईलाइट जो आपको देखने को मिलेगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि टीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा हाईलाइट करके, 2018 वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों ये देखिए सारा क्वेश्चन हाईलाइटेड है। जब आप सिक्वेंस में देखेंगे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस में जा रहा है 2018, 2019, 2023 लास्ट में, तो इस बुक में इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि सीक्वेंस में जो क्वेश्चन को अरेंज किए होते हैं, तो आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि 2023 वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो आप लास्ट में चले जाइए, आपको 2023 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, हर एक टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जो टाइप शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से शुरू होने वाला है, मतलब शुरू होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों टाइप वाइज आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप वाइज आंसर की काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हर एक टाइप को बताया गया है, कि जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है उसको भी बताया गया है अथवा करके यहाँ पे, और जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है वो भी देखने को मिलेगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन, एक ट्रिक से एक स्टेप से। तो स्टेप और ट्रिक दोनों आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं दोस्तों किरण पब्लिकेशन के बुक्स को जरूर फॉलो करते हैं, और सभी अध्याय को इस बुक के अंदर दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया जाता है, ठीक है ना। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊँ तो 3/12/2023 मतलब दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, वो भी क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप कवर परचेज कीजिए, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में सारे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ में मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप एसएससी के मैथ्स को बनाते हैं तो आपके रेलवे के एग्जाम भी कवर हो जाएंगे, बैंकिंग के भी एग्जाम कवर हो जाएंगे, साथ में एसएससी के तो एग्जाम कवर होते ही है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं सभी कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बुक में आपको वैकल्पिक विधि से भी बताया गया है, ट्रिक भी बताया गया और स्टेप से भी बताया गया। तो सॉल्यूशन दोस्तों इस बुक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं सभी के पास किरण पब्लिकेशन का ये बुक होता है, ठीक है ना। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए, और इस बुक पर मैं बता दूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, ठीक है। इस बुक में दो अध्याय को ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तो उनको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोनों अध्याय को कवर किया गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और इनके और भी बुक के बारे में मैं बता दूं, ठीक है ना, और भी बुक के बारे में बता दूं, तो इसके आपको यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक कूपन कार्ड देखने को मिलेगा, जिसको आप स्क्रैच करके ऑनलाइन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से रिलेटेड। यहाँ क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ पे इस मतलब ऐप पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, इनका नंबर दिया गया है, इनसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके और भी बुक दोस्तों ये लॉन्च होने वाले हैं, मतलब एसएससी के लिए, जिसमें टीसीएस प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये खान सर के दोस्तों कुछ बुक है एनसीईआरटी पर आधारित, इनको भी परचेज कर सकते हैं।
और जैसे ये मैथ्स का बुक है इसी तरह आपको इंग्लिश जीके और रीजनिंग के बुक भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप लीजिए। और ये बुक दोस्तों अगर आपका जीके थोड़ा वीक है तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिए। सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी पर आधारित है, बहुत ही शानदार बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ये सामान्य विज्ञान का बुक है दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का बहुत ही शानदार बुक है, और ये मानचित्र भारत का भूगोल बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, तो इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर इस वीडियो में आप कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।